हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस डिश, कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमें 2 टाइप के मसाले रेडी करने होंगे। इसके लिए हमने 250 ग्राम फ्रेश पनीर लिया है, थोड़े अनियन पेटल्स और शिमला मिर्च को क्यूब में कट कर लिया है। हमने कुछ साबुत मसाले लिए हैं जिसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। ये हमारा पहला पार्ट होगा मसालों का। दूसरा पार्ट हमारा ग्रेवी के लिए होगा, जिसमें हमने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और कुछ काजू लिए हैं। हमने एक पैन गरम किया है और उसमें अब हम सारे साबुत मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे। कसूरी मेथी को सिर्फ हम छोड़ देंगे। इन सारे मसालों को हम 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, जब तक ये ब्राउन हो जाए। अब इन रोस्टेड मसालों में हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। इन मसालों को अब हम ठंडा कर ग्राइंड कर लेंगे। इन मसालों को हमें पाउडर नहीं बनाना है, बस थोड़ा दरदरा रखना है। देखिए, हमारा रोस्टेड मसाला रेडी है। अब हमें ग्रेवी रेडी करनी है। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला। अब इस कढ़ाई में हम प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे और काजू डालेंगे और फिर इसे सॉटे करेंगे। इन सारे मसालों को हमें 5 मिनट तक कुक करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची और 3-4 लौंग। अब इन मसालों को हम 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। ये मसाले हमारे रेडी हैं। अब इन मसालों का हमें पेस्ट बनाना है, तो इसे अभी हम रख दे रहे हैं ठंडा होने के लिए। हमने एक पैन लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया। अब इस बटर में हम पनीर को सॉटे करेंगे 2 मिनट के लिए। देखिए, पनीर में हल्का ब्राउन कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इस पैन से हमने पनीर निकाल लिया है। अब 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के शिमला मिर्च क्यूब को सॉटे करेंगे। इसे हमने 2 मिनट के लिए सॉटे करना है, इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसी पैन में हमने प्याज के पेटल्स डाले और इन्हें भी 2 मिनट के लिए सॉटे करना है। अब इस पेटल्स को हम निकाल कर रख लेंगे। हमने जो प्याज टमाटर को कुक किया था उसका अब हमें पेस्ट बनाना है। ये देखिए, थिक और क्रीमी पेस्ट रेडी है। हमने कढ़ाई में तेल गरम करना है और जब तेल गरम हो जाए तो इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसालों में हम प्याज टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। अब हमने 2 टेबलस्पून ड्राई रोस्ट मसाला ऐड करना है। अब इन सारे मसालों को हम मिक्स कर 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये हमारी ग्रेवी रेडी है। अब इसमें हम प्याज और शिमला मिर्च ऐड करेंगे और अब ग्रेवी में हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब इस ग्रेवी में हम फ्राई पनीर क्यूब ऐड करेंगे। पनीर को हम ग्रेवी में हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि हमारा पनीर क्यूब टूटे ना। हमारा कढ़ाई पनीर ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पनीर में हम 2-3 हरी मिर्च ऐड करेंगे, बारीक कटा हरा धनिया ऐड करेंगे और अब हमारा कढ़ाई पनीर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।